हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर 15 पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर। टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू सी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। दीज टू फिगर्स आर रेक्टिलिनियर फिगर, सो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर्स। सो लेट अस सी इन दिस वीडियो। सो डियर स्टूडेंट, लेट अस सी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। You can see here the diagram of rectangle, and you must be knowing that the properties of rectangle, that opposite sides are equal. So rectangle has opposite sides equal. So यहाँ आपको दो values दी गई हैं, length का L सेंटीमीटर और breadth का B सेंटीमीटर, ठीक है? तो आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों के क्या आंसर हो सकते हैं या क्या उसका मेजरमेंट हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी इसका भी जो है एल सेंटीमीटर होगा और इसका भी बी सेंटीमीटर होगा, ठीक है? तो इसका भी बी सेंटीमीटर होगा। तो आपको मिल गया सारा वैल्यू साइड्स के। तो आपको जैसे पता ही है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर में, यानी हम सारे साइड्स को ऐड करते हैं तो हमें पेरीमीटर मिलता है। तो अब हम इसके सारे साइड्स को ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे सारे वैल्यूज को। तो अब हम ऐड करेंगे एल सेंटीमीटर प्लस एल सेंटीमीटर प्लस बी सेंटीमीटर प्लस बी सेंटीमीटर, ठीक है? अब इसको ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें हम लोग फॉर्मूला एक बनाएंगे, देखते हैं। यहाँ कितना L है, 2L, और यहाँ 2D, ठीक है? अब ये हो गया, यानी दो L है और दो ब्रेथ है। तो यानी दोनों में कॉमन क्या है? यस, 2 कॉमन है। तो हम 2 को बाहर लेंगे और इसको L प्लस ब्रेथ करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो जाएगा 2 × length प्लस ब्रेथ। तो इस तरह के जो है हमारा फॉर्मूला बनना है। यानी अगर आप इस मेथड से भी करेंगे तो भी आपको जवाब मिलेगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। और ये दूसरा मेथड ये है, तो आप इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस यू विल लर्न दिस फॉर्मूला एंड विल गेट द आंसर वेरी फास्ट। सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो योर आंसर शुड बी 2 × length प्लस ब्रेथ, ठीक है? सो अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के साथ करेंगे इस क्वेश्चन को, सो यू विल बी नोइंग वेरी वेल। Fine. So let us see. So now we will find the perimeter of this figure, that is rectangle. Here the length is given 5 cm and breadth is given 3 cm. And you know the formula. What is the formula? Yes. 2 × length plus breadth. Okay. Length plus breadth. तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे सीधे 2 × length कितना है? 5. ब्रेथ कितना है? 3, ठीक है? अब इसका आंसर आएगा 2 × 8, है ना? और इसको मल्टीप्लाई करने में हमें आंसर मिलेगा 16 सेंटीमीटर। देख सकते हैं 5 प्लस 3 8 और 8 टू 16। अगर आप पेरीमीटर वाले फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो आपको आंसर ऐसे मिलेगा 5 + 5 + 3 + 3। तो 5 + 5 = 10, 10 + 3 = 30, 30 + 16, ठीक है? सो आप देख सकते हैं दोनों मेथड से मैंने आंसर सेम निकाला 16, ठीक है? तो आपके फॉर्मूला लर्न करना है, अगर किसी ने पूछा तो आपको ये फाइंड आउट करना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगर सपोज अगर लेंथ मिसिंग है, ठीक है, तो उसका कैसे हम लोग निकालेंगे कि उसका लेंथ क्या है उस फिगर का या ब्रेथ क्या है। आपको पेरीमीटर दिया जाएगा और किसी एक साइड का वैल्यू दिया जाएगा। अगर आपको लेंथ का वैल्यू दिया है और पेरीमीटर दिया तो आप ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको पेरीमीटर दिया है और लेंथ दिया है तो आप ब्रेथ कैसे फाइंड आउट करोगे? ये इस तरह आपको वाइस वर्सा करना होगा। फाइन, सो देखते हैं अगले क्वेश्चन में। सो डियर स्टूडेंट, वी विल सी इन दिस क्वेश्चन दैट the breadth is missing, length is given 25 cm and perimeter is given 70 cm. So how we will do this question? So
as we all know that perimeter of rectangle is 2 into length plus breadth. We are not having breadth value. So कैसे find out करेंगे? We will convert this formula. Okay. आप जानते हैं कि जब इक्वल के किस तरफ जाएगा कोई भी साइन ऑपोजिट इक्वल के उस तरफ, जैसे प्लस है तो उस तरफ माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो आपके जैसे मल्टीप्लाई है तो ये किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. यस, तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन रहा है, एंड पेरिमीटर अपॉन टू हो जाएगा. और ये देख रहे हैं लेंथ प्लस ब्रेथ है, तो हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है. तो लेंथ ओवर तो इस साइड क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. ठीक है, और ये बन जाएगा यहाँ ब्रेथ. तो अभी हमारा नया फॉर्मूला क्या बना है, अगर हमें ब्रेथ फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला बनेगा पी डिवाइड बाई टू माइनस एल. तो इस तरह हमें ब्रेथ का वैल्यू मिलेगा. तो हम पुट अप करेंगे ब्रेथ पेरिमीटर कितना दिया 70 सेंटीमीटर एंड डिवाइड बाई टू माइनस एल, लेंथ कितना है 25. तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ हम ब्रेथ का वैल्यू फाइंड आउट करने वाले, तो इसमें 35 आएगा माइनस 25, और तो हमें आंसर कितना मिला 10, यानी ब्रेथ का आंसर 10 है. ओके, सो ब्रेथ का आंसर 10. ठीक है, अगर मुझे अगर लेंथ फाइंड आउट करना होगा तो सेम फॉर्मूला यही बनेगा, यहाँ मैं लेंथ ले लूँगा और यहाँ ब्रेथ ले आऊँगा, तो सेम थिंग वो आपको आंसर मिलेगा. अगर आपको देखना है कि आंसर, सपोज अगर यहाँ 10 सेंटीमीटर है और यहाँ लेंथ नहीं पता है तो कैसे इसका आंसर आ सकता है, देखिए आपको पता है कि इसका जो लेंथ है 25 है, लेकिन अभी देखिए 25 कैसे आंसर आता है. तो आपका पेरीमीटर है 70 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, दैट इज यहाँ आपका जो है ब्रेथ हो रहा है, और यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला में लेंथ. तो मैं लेंथ निकालने वाला हूँ, तो ब्रेथ कितना है 10 है, राइट, इक्वल टू लेंथ. तो यहाँ 35 माइनस 10, यानी आपको आंसर मिला यहाँ 25 सेंटीमीटर. देख रहे हैं, आपको पहले ही पता था कि 25 सेंटीमीटर है, और देखिए आपको आंसर 25 मिला ना. तो ये फार्मूला आपको याद करना है. ठीक है, यानी अगर आपको लेंथ या ब्रेथ निकालना है तो आपका फार्मूला बनेगा पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 या हाफ इंटू पेरीमीटर माइनस ब्रेथ, ये हो जाएगा लेंथ का. अगर आपको ब्रेथ निकालना है तो हाफ इंटू पेरीमीटर माइनस लेंथ, तो ये आपको ब्रेथ मिलेगा. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे.